हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल में आप सभी इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मॉडम वर्ल्ड वाइड वेब तथा इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में जानते हैं। इंटरनेट इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है जो दुनिया भर के अरबों उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करती है। यह नेटवर्क का एक नेटवर्क है जिसमें लाखों निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क होते हैं। अब हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक इंटरनेट सेवा प्रदाता एक संगठन है जो आपको डायलअप मॉडम का उपयोग करके या प्रत्यक्ष हार्डवेयर या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। कनेक्टिविटी चुनना आपके क्षेत्र में एक विशेष तकनीकी गति और कनेक्शन प्रकार की एबिलिटी पर निर्भर करता है। आमतौर पर छोटे और मध्यम व्यापार उपयोगकर्ता, घर के उपयोगकर्ता कनेक्टिविटी प्रकार जैसे DSL, केबल मॉडम, डायलअप, ब्रॉडबैंड वायरलेस, वाईमैक्स या 3G का उपयोग करते हैं। बड़े व्यापार उपयोगकर्ताओं या अधिक मांग आवश्यकताओं वाले मध्यम से उच्च गति कनेक्टिविटी जैसे DSL, हाई स्पीड, ISDN आदि का उपयोग कर सकते हैं। अब हम मॉडम के बारे में जानेंगे। मॉडम एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो फोन लाइनों पर यात्रा कर सकता है या एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। मॉडम शब्द की उत्पत्ति इसके फंक्शन मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर से हुई है। अब हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे www या W3 के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर वेब के रूप में जाना जाता है, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक प्रणाली है। एक वेब ब्राउजर के साथ कोई वेब पेज देख सकता है जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया हो सकते हैं और हाइपरलिंक के माध्यम से उनके बीच नेविगेट कर सकते हैं, जैसे डेटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, नेटवर्क आधारित एप्लीकेशन का उपयोग। अब हम बारी बारी सारे एग्जाम्पल्स के डेफिनेशन को एक एक कर समझेंगे। तो आइए सबसे पहले डेटा शेयरिंग को समझते हैं। डेटा शेयरिंग नेटवर्किंग का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग डेटा को साझा करने की अनुमति देना है। उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, फाइलें, प्रसार शीट, दस्तावेज, प्रस्तुतियां, ऑडियो फाइलें, वीडियो फाइलें आदि भेज सकते हैं। इसके बाद हम हार्डवेयर शेयरिंग के डेफिनेशन को देखेंगे। हार्डवेयर शेयरिंग हार्डवेयर घटक जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि भी साझा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ताओं के लिए 10 प्रिंटर खरीदने के बजाय एक प्रिंटर खरीदा जा सकता है और कई उपयोगकर्ताओं के बीच साझा किया जा सकता है। इस प्रकार लागत की बचत होती है। अब हम इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग को समझेंगे। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग आप एक इंटरनेट कनेक्शन खरीद सकते हैं और इसके प्रत्येक कंप्यूटर के लिए कई इंटरनेट कनेक्शन खरीदने के बजाय एक नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों के बीच साझा कर सकते हैं। यह आमतौर पर इंटरनेट कैफे
ब्राउजिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, कंपनियों आदि में पाया जाता है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक नेटवर्क आधारित एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। नेटवर्क आधारित एप्लीकेशन का उपयोग जैसे वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, चैट एप्लीकेशन, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग आदि एक प्रकार के नेटवर्क आधारित लाभ हैं। आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।